Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. हम देखते हैं सबक नंबर 8 फलजियात में सफा नंबर 99 पर इसके पार्ट 3 में. तो फलजियात क्या है, मेटलर्जी क्या है, स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से धातुओं को जो है वो एक तकनीक के साथ जो है वो नए उसमें तब्दील किया जाता है, यानी कस धातुओं को या धातुओं को. इसके बाद में कस धातु से धातु की तहसील और इनकी तखलीस करके इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए जो इल्म और तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है उसको फलजियात कहते हैं. तो ये तारीफ आप जो है वो याद कर लेंगे. इसके बाद में है धातु का वकू. ज्यादातर धातु जो है वो कैसी होती, आमिल होती है. आमिल होने की वजह से ये कुदरत में आजादाना हालत में नहीं पाई जाती, तो मुरक्कब हालत में इनके जो मुरक्कबात होते हैं वो ऑक्साइड होते हैं. यानी इनके अंदर मुरक्कबात यानी कोई दो अनासिर से मिलकर बने, तो ये मुरक्कब हालत में जब होते हैं तो इनके मुरक्कबात जो है वो ऑक्साइड होते हैं, कार्बोनेट होते हैं, सल्फाइड होते हैं, नाइट्रेट की शक्ल में हमको मिलते हैं. अलबत्ता जो गैर आमिल धातें हैं जैसे कि सोना है, प्लेटिनम, ये इनके ऊपर हवा, पानी और दीगर कुदरती अवामिल का असर नहीं होता, तो इसलिए ये आजाद हालत में पाए जाते हैं. ठीक है, तो ये आजाद हालत में नहीं पाए जाते क्योंकि हवा का असर इस पर होगा, कीमियाई अमल करेंगे. तो यहाँ पर सिर्फ दो, सोना और प्लेटिनम ऐसा है जो कुदरती तौर पर आजाद हालत में पाए जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर हवा और पानी का कोई भी असर नहीं होता है. तो कुदरत में पाए जाने वाले, तो यहाँ पर दूसरी तारीफ याद रखेंगे कि कुदरत में पाए जाने वाले धातुओं के वो मुरक्कबात जिनमें कसाफतें नहीं मिलावट होती है शामिल होती है, उन्हें मादनियात कहलाते हैं. ठीक है, ये एक तारीफ यहाँ पर आप दूसरी याद रखेंगे. फिर इन मादनियात को क्या किया जाता है, वो मादनियात जिनसे धातुओं को, यानी इन मादनियात में से ही धातुओं को अलग किया जाता है बासानी और कम लागत में, कम खर्च में इसको अलग किया जाता है, तो इनको क्या कहते हैं, कज धात कहते हैं. यानी वो मादनियात जिनसे धातुओं को बासानी और कम लागत में अलग किया जाता है उनको कज धात कहा जाता है. कज धात यानी कि उसमें धात के अलावा और भी कुछ चीज जो है वो मिली हुई है. तो यहाँ पर ये तारीफ भी आप याद रखेंगे. फिर कज धातों में धातों के मुरक्कबात के साथ जो रेत है, पथरीली अशिया, ये क्या है, जैसी कसाफत यानी जो मिलावट है मादनियात में, जो कज धात जिसको कहा जाता है उसमें मिट्टी उसके साथ मिली हुई, चूंकि इसको जमीन से निकाला जाता है इन मादनियात को, तो इसमें जो है वो मिलावट होती है और उसको खालिस बनाने के लिए मुख्तलिफ मरहलों से इसको गुजारा जाता है. तो ये रेत, मिट्टी, पथरीली अशिया, ये जो कसाफतें हैं इन कसाफतों को गोंग कहते हैं. तो ये तारीफ भी जो है वो आप ध्यान रखेंगे. तो इस तरह से ये तारीफ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कलधात क्या है, इसमें गोंग क्या है. तो यहाँ पर आपको चार तारीफ इसी पैरा में मिल गई है. तो इस तरह से धातुओं की जो तहसील का तरीका है वो धातुओं को इनकी कज धातुओं से अलग कर सकते हैं. तो मुख्तलिफ तरीके का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, धातुओं को आसानी से कज धातुओं से अलग कर सकते हैं. तो कज धातुओं से जो खालिस धातुओं की तखलीस का अमल होता है वो भी फलजियात में शामिल है क्योंकि वो भी एक तरीका है. तो एक इल्म है, मतलब एक तरीका है और एक टेक्निक है, इसके लिए इसको भी क्या है, हम फलजियात में शामिल करेंगे. तो इसके लिए उसूल क्या है वो हम देखते हैं. तो फल्सकारी के बुनियादी उसूल में जो है वो कस धातु से जब खालिस धात की तहसील करते हैं तो इसके मराहिल हैं. नंबर एक, कस धातु का इर्तिकास करना यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स. तो यहाँ पर जो है वो कस धातु का इर्तिकास यानी के कस धातु से जब गोंग के अलग करने के अमल को कस धातु का इर्तिकास किया कहते हैं. यानी के कस धातु से जब गोंग यानी कि कचरा, अभी उसको आम जबान में कचरा बोल सकते हैं, जब इससे कचरा अलग करके अलग करने का जो अमल है उसको इर्तिकास कहते हैं. अब इस अमल में जो है वो धात के मुरक्कब का इर्तिकास बढ़ जाता है. इस मकसद के लिए क्या करते हैं, मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन सही तरीका किस तरह मुंतखब किया जाए ये जो है वो कस धात के अंदर जो धात मौजूद है वो धात की तबई खसूसियात क्या है उसके ऊपर डिपेंड है, या उसके अंदर गोंग की जो मिकदार है
वो कितनी है, ये जो है वो इन तमाम चीजों पर मुनसिर है कि किस तरह से, किस टेक्निक से जो है वो कस धातु को, कस धातु से धातु को अलग किया जाए। तो ये धातु की तामुली सलाहियत और तखलीस के लिए हासिल होने वाले सहूलियात पर भी मुनसिर है, यानी इसमें वो अवामिल भी शामिल है जिनका माहौलियाती आलूदगी से ताल्लुक है। यानी इस तरह का तरीका भी इस्तेमाल करना है कि माहौल जो है वो आलूदा ना हो, माहौल में आलूदगी ना फैले, तो इसका ताल्लुक जो है वो माहौलियाती आलूदगी से भी है। तो इस तरह से कस धातु के जो है वो इसके इर्तकास के चंद तरीके हमारे पास दिए हुए हैं, हम देखते हैं। नंबर एक जो है वो सकली कुवत के जरिए अलीदगी। तो सकली कुवत के जरिए अलीदगी में कस धातु के वजनी जर्रात, मादनी मिट्टी के हल्के जर्रात से सकली कुवत कशिश के जरिए आसानी से अलग किए जाते हैं। तो ये अलीदगी का अमल जेल के मुताबिक है, यानी कि जो कस धातु में चूंकि धात वजनी होंगे और जो मिट्टी पत्थर ये सब चीजें ये हल्की होगी, तो ये कस धातु से जो वजनी जर्रात है वो मादनी मिट्टी के हल्के जर्रात से सकली कुवत कशिश की वजह से आसानी से अलग कर देते हैं। तो इसका नंबर एक जो मेथड है वो है वल्फले टेबल तरीका। तो वल्फले टेबल मेथड में हम देख रहे हैं यहाँ पर जो टेबल दिया हुआ है इसके अंदर ये लकड़ी का बना हुआ है यहाँ पर, और ये जो है वो यहाँ पर देखो पानी गुजारा जा रहा है नली के जरिए, और यहाँ पे जो है वो इर्तियाशी हालत में रुका हुआ टेबल है, ये यहाँ पर लकड़ी का टेबल है, इसमें बीच बीच में जो है वो सुराख है, और इसके बाद में यहाँ पर ये जो है वो ये मुर्तकिस कस धात है, और यहाँ पे जो है ये गोंग है, यानी जो कस धात प्योर हो गई जिसमें से जो है गोंग को अलग कर लिया गया वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। तो इस अमल में क्या होता है हम देखते हैं। तो इस मेथड में हम देखेंगे कि पहले क्या किया जाता है, यहाँ लिखा है कस धात का सफूफ, यानी कस धात को जो है वो इसको बारीक पीस लिया जाता है, कस धातों को जो है वो बारीक पीस लेते हैं, और बारीक पीसने के बाद जो है वो इसको इस टेबल पर डाला जाता है। देखिए यहाँ पर तीन यहाँ पर दिख रहा है कस धात का सफूफ जो है वो यहाँ से डाला जा रहा है, यहाँ से डाला जा रहा है। इसके बाद क्या होता है यहाँ पर कि जब इसको टेबल पर डाल दिया जाता है तो ऊपरी हिस्से से यहाँ पे जो है वो पानी का बहाव है, तो पानी इसके ऊपर पड़ता है इन कस धातों के सफूफ पर। तो पानी की जब धारे इनके ऊपर छोड़ी जाती है तो जो गोंग के हल्के जर्रात है वो हल्के जर्रात क्या करते हैं, पानी के साथ बह जाते हैं आसानी से, क्योंकि चूंकि वो हल्के है तो पानी से वो बह जाते हैं। और जब पानी से ये जब कस धात का सफूफ यहाँ पर नीचे की तरफ आता है तो जो हल्के जर्रात है वो पानी के बहाव के साथ जो है वो सीधे नीचे चले जाएंगे, है ना, क्योंकि वो हल्के हैं। लेकिन चूंकि कस धातु में जो धात है वो वजनी है, चूंकि वो धात वजनी होने की वजह से क्या होती है, ये जो शगाफ है यानी इसमें जो होल है उसके अंदर जाकर रुक जाती है। तो ये इन शगाफों में कुछ यहाँ पर कुछ यहाँ पर, कोई थोड़ा पानी के साथ आगे चला गया तो यहाँ आ जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, तो इस तरह से ये शगाफों में रुक जाते हैं। तो इस तरह से इस तरीके से जो है वो इनको आसानी से अलग कर लिया जाता है। तो ये तरीका जो है वो वल्फले टेबल का तरीका है, तो जिससे जो है वो कस धातु से धातु को अलहदा किया जाता है। तो इस अमल में जो है वो हम देख रहे हैं कि सिर्फ इसमें से जो है वो गोंग को जो अलग किया गया है। इसके आगे हम दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड जो है वो आबी कुवत के जरिए अलीदगी का तरीका। तो यहाँ पर भी क्या किया जाता है, हम देख रहे हैं कि एक बीकर जो है वो इस शक्ल का भरा हुआ है, यहाँ पर नीचे से ये पानी का बहाव है, फिर यहाँ पर देखो एक पानी बाहर की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ पर जो है वो एक पानी खारिज नली है, यानी यहाँ से जो है वो पानी खारिज हो रहा है और यहाँ से जो है वो नीचे की जानिब से पानी जो है वो दाखिल किया जा रहा है ना, दो यहाँ पर पानी की नली है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो है वो कस धातु का सफूफ डाला जा रहा है, यहाँ से चूंकि पानी का प्रेशर आता है तो जब कस धातु के सफूफ को यहाँ पर डाला जाता है, चूंकि ये बारीक पिसे हुए हैं कस धातु के सफूफ, तो इनको जब टंकी में दाखिल किया जाता है, इस यहाँ पर भी वही अमल होता है कि गोंग के जर्रात कैसे होते हैं, बारीक होने की वजह से पिसे हुए होने की वजह से ये जर्रात जो है वो और भी
हल्के हो जाते हैं, और जब यहाँ से ये शफूफ को डाला जाता है और पानी का प्रेशर जो है वो यहाँ नीचे से आता है, तो ये हल्के होने की वजह से यहाँ से ये डायरेक्ट खारिज होते हैं, यानी बाहर निकल जाते हैं ये गोंग, है ना। और जो भारी होंगे यानी जो कसधात, जो कसधात के जो जर्रात वजनी होंगे, वो टंकी के निचले हिस्से में बैठते चले जाएंगे, नहीं यहाँ से जो है वो आसानी से निकल जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से जो है वो इस मुर्तकिस कसधात को जमा किया जाता है। तो ये जो है वो आबी कुवत के जरिए अलहदगी का तरीका है। इसके बाद तीसरा हमारा तरीका है मकनातीसी अलहदगी का तरीका। अब देखो मकनातीसी अलहदगी के तरीके में हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये आटे की चक्की की तरह, हम आटा पिस गेहूं जो है वो हम पिसवाने के लिए जब जाते हैं गेहूं से आटा बनवाने के लिए, तो हम देखते हैं कि वहां पर जो वो कुछ इस तरह की ही मशीन दिखाई देती है हमको। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ ये दो गैर एक मकनातीसी पहिया है और एक जो है वो गैर मकनातीसी पहिया है, और इनको जो है वो एक पट्टे की मदद से घुमाया जा रहा है ना। तो इस तरीके से मकनातीसी कसधात को अलहदा किया जाता है। इसमें दो लोहे के पहिए पर पट्टा घूमता रहता है, जिसमें एक पहिया मकनातीस है और एक पहिया जो है वो गैर मकनातीस है। तो पट्टे पर जब यहाँ से बारीक कसधात डाली जाती है, तो ये यहाँ पर देखो मिक्स है कसधात, यानी इसके अंदर गोंग भी है। तो चूंकि ये मकनातीस होने की वजह से ये क्या करेगा, ये जो धात होंगे उनको जो है वो यहाँ ये इस पे चिपक जाएंगे, यहाँ से इस पे चिपक जाएंगे, और जो गोंग होगा जो कचरा होगा वो यहाँ पे बिल्कुल इससे चिपकेगा नहीं बल्कि उड़ के दूसरी तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर दो बर्तन रखे जाते हैं जमा करने वाले बर्तन, तो एक में जो है वो मकनातीसी जूस आता है और दूसरे में गैर मकनातीसी जूस आता है, और बाद में जो है वो फिर इसको अलहदा किया जाता है यहाँ पे। मतलब ये हमको यहाँ पर कसधात जो है वो मिल गई, मुर्तकिस कसधात मिल गई। तो इस तरह से चूंकि ये यहाँ पर ये मकनातीसी जूस होने की वजह से कसधात के अंदर वो इसे चिपक कर यहाँ गिरता है, और ये गोंग जो है वो गैर मकनातीसी जूस होने की वजह से वो यहाँ इस बर्तन में गिर जाती है। तो इस तरह से ये मकनातीसी अलहदगी के तरीके से इसको जो है वो कस धातों से जो है वो धातों को अलग किया जाता है। इसके बाद अगला तरीका है फ्रॉथ फ्लोटेशन का तरीका। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन के तरीके में जो है वो ये सल्फाइड के कस धात होते हैं। हमने स्टार्टिंग में जब पढ़े तो हमने देखे वहां पर धाते जो है वो मुरक्कबात की शक्ल में होने की वजह से ऑक्साइड में होती है, सल्फाइड में होती है, कार्बोनेट में होती है, तो इस तरह से इस फॉर्म में हमको मिलती है। तो यहाँ पर जो फ्रॉथ फ्लोटेशन का तरीका है वहां पर जो है वो सल्फाइड कस धातों को ये अलग करने का तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर सल्फाइड के कस धातों को जो है वो मुर्तकिस किया जाता है। तो यहाँ पर फ्रॉथ फ्लोटेशन के तरीके में हम देख रहे हैं यहाँ पर इसका जो तजुर्बा दिया गया है, यहाँ पर देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि हवा की फराहमी की जा रही है यहाँ से, है ना, ये इसके रॉड के जरिए। फिर ये कसधात का सुफूफ डाला जा रहा है यहाँ से, ये बुलबुले पानी और इसमें सनोबर का तेल है। इसमें क्या मिक्स है, इसमें पानी भी है और सनोबर का तेल भी है। और ये जो लंबी रॉड हमको यहाँ दिखाई दे रही इस तरह की, ये क्या हिलानी, हिलानी का मतलब हिलाने के लिए, मिक्स करने के लिए, ठीक है। और यहाँ से जो देखो दिखाई दे रहा है कि ये झाग निकलकर बाहर जा रही है ना, तो ये क्या है झाग, ये मुर्तकिस सल्फाइड के कसधात है। और यहाँ से गोंग कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर जो है वो फ्रॉथ फ्लोटेशन में हम देख रहे हैं कि कसधाते जो है वो ऊपरी हिस्से से निकल रही है और गोंग जो है वो निचले हिस्से से निकल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है ये हम देखते हैं। तो जो सल्फाइड के कसधात होते हैं, सल्फाइड के जो कसधात होते हैं वो इनके जो जर्रात है वो तेल की वजह से नम हो जाते हैं। तो ये जर्रात क्या होते हैं, तेल की वजह से नम हो जाते हैं। जबकि गोंग के जो जर्रात हैं इनके अंदर, ये गोंग के जर्रात पानी से ही नम हो जाते हैं ना, पानी अगर ये इसमें मिलेगा तो ये पानी की वजह से ही नम हो जाते हैं। तो इस खासियत का इस्तेमाल करके क्या करते हैं धातों को, तो यहाँ पर धातों को अलग किया जाता है। तो बारीक पिसी हुई कसधात का सफूफ जो है वो टंकी में लेते हैं यहाँ पर, और जिसमें पानी भरा हुआ होता है और इसमें नबाताती तेल यानी सनोबर का तेल मिलाया जाता है, इसको मिक्स किया जाता है, और जिससे पानी में झाग पैदा हो जाता है।
तो जब पानी में झाग पैदा होने की वजह से क्या होगा, पानी में दबाव के तहत जो है वो, और यहाँ पर जो है वो इसको मिक्स भी किया जाता है और यहाँ से जो है वो हवा भी भरी जाती है, हवा का दबाव दाखिल किया जाता है अंदर। तो यहाँ पर चूंकि पानी में दबाव के तहत हवा दाखिल की जाती है, तो इस टंकी के बीच में जो है वो झाग पैदा करने वाला हिस्सा घूमता रहता है, नहीं ये झाग पैदा हो जाता है चूंकि इसको घुमाया भी गया और इसमें हवा भी डाली गई, यानी हवा का दबाव भी पड़ा, तो हवा के दबाव की वजह से देखो ये बुलबुले यहाँ पर नजर आ रहे हैं सफेद सफेद, तो इस तरह से ये बुलबुले हमको नजर आते हैं झाग की शक्ल में। तो झाग में जो मौजूद सल्फाइड के जरात को अलग, तो यहाँ से ये झाग बनने की वजह से चूंकि झाग हल्का होगा ऊपरी हिस्से में आ जाएगा और यहाँ से ये झाग जो है वो बाहर निकल जाएगा और बाद में जो है वो इस झाग से जो है वो मुर्तकिस सल्फाइड के कसदात को अलग कर लिया जाता है। और जो चूंकि ये गोंग जो पानी में हल है नम हो जाता है, उसकी वजह से वो नीचे बैठ गया और यहाँ से गोंग जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रॉथ फ्लोटेशन का जो तरीका था थोड़ा सा अलग है, क्योंकि सल्फाइड के जो कसदात है वो पानी नहीं बल्कि तेल के जरात में नम होते, तो इसलिए यहाँ पर जो महलूल लिया गया उसमें पानी और तेल दोनों को मिलाया गया और इसके बाद में हवा के दबाव की वजह से और घुमाने यानी मिक्स करने की वजह से झाग बनती है और वो झाग जब बाहर लिया जाता है और उसमें से जो है वो सल्फाइड के कसदातों को अलग किया जाता है, तो इसे जो है वो फ्रॉथ फ्लोटेशन का तरीका कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या आप जानते हैं, एक बात बताई गई है जो हमने फ्रॉथ फ्लोटेशन का ऊपर तरीका किया कि सल्फाइड के जो कसदात है वो तेल में नम हो जाते हैं और गोंग जो है वो पानी में नम हो जाता है, तो उसका मतलब समझाने के लिए अरवी का पत्ता, जो बड़े पत्ते रहते हैं उनके पत्तों पर जो ऊपरी सतह जो है वो चिकनी होती है यहाँ पर, है ना, तो ऊपरी सतह चिकनी होने की वजह से उस पर पानी नहीं चिपकता। इसी तरह मोम पर भी जब हम पानी डालते हैं तो वो भी नहीं चिपकेगा। आम नमक और साबुन पर, आम नमक यानी जो खाने वाला नमक है उस पर पानी पड़ेगा तो वो मेल्ट हो जाएगा, यानी वहां पर गीला हो जाएगा हिस्सा, यानी वो एब्जॉर्ब कर लेगा पानी को। फिर साबुन पर भी पानी चिपक जाता है, झाग बनता है, हम देखते हैं ना पानी चिपक गया उसके ऊपर, यानी वो पानी से नम या गीले हो जाते हैं। तो इस तरह से ये चीजें जो है वो नमक और साबुन जो है वो पानी से नम या गीले हो जाते हैं, तो ये बताया गया है कि पानी से नम होना यानी गीला होना क्या है, जो ऊपर फ्लॉथ प्रोटेशन में तरीके में बताया गया। तो यहाँ पर क्या आप जानते हैं, मैं एक छोटी सी बात बताई गई है कि अरवी और मोम पर जो है वो पानी नहीं ठहरता क्योंकि उसकी ऊपरी सतह जो है वो चिकनी होती है या ऊपरी सतह पर कुछ चिकना मादा पाया जाता है जिसकी वजह से पानी जो है वो फिसल जाता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं अगला तरीका जो है वो तकतीर। इसमें एल्यूमिनियम सोना चांदी ये धातु की तहसील में पहला मरहला जो है वो तकतीर है, यानी इन धातुओं को जो है वो तकतीर के अमल से अलग किया जाता है। तो इस तरीके में क्या करते हैं, जो कसधात है एल्यूमिनियम के, सोने के और चांदी के, इन कसधातों को काफी वक्त तक जो है वो एक महलूल में डुबा कर रखा जाता है। फिर ये महलूल में डुबा के रखने के बाद वहां पर कुछ कीमियाई अमल होता है। अब ये कीमियाई अमल की वजह से कसधात जो होते हैं वो इसमें हल हो जाते हैं, इस महलूल में कसधात हल हो जाते हैं, लेकिन गोंग जो है, जो कचरा है उसके अंदर, उसके ऊपर उसका कोई अमल नहीं होता उस महलूल का। तो इसलिए महलूल का जब इस पर कोई असर नहीं होता, इसको तकतीर करके छान के जो है वो अलग कर लिया जाता है ना। तो जब छान लेंगे तो जो महलूल में कसधात जज्ब हो गई, यानी कि मिक्स हो गई है, हल हो गई है, उसको हम आसानी से छान के अलग कर सकते हैं। और गोंग हल नहीं हुआ है तो वो छानने से यानी तकतीर के अमल से आसानी से अलग कर देंगे हम। तो ये बॉक्साइट का इर्तिकाज या एल्यूमिनियम की कसधात का इर्तिकाज जो है वो तकतीर के तरीके से किया जाता है। यहाँ पर बॉक्साइट को जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के आबी महलूल में डुबाया जाता है, या तो NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट के आबी महलूल में डुबाकर रखा जाता है, तो कसधात के खास जूस एल्यूमिना को हल करता है। तो इस तरह से ये जो दोनों महलूल है, दोनों सॉल्यूशन है, ये क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की कसधात के जो खास जूस एल्यूमिना है उसको अपने अंदर हल कर लेते हैं और इन महलूलों का अमल जो है वो गोंग पे नहीं होता, इसलिए गोंग जो है वो हल नहीं होते, ऐसे ही रहते हैं और इनको आसानी से जो है हम छान कर तकतीर करके अलग कर सकते हैं। तो ये जो हमारा तरीका था, तकतीर का तरीका था। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है धातु की तहसील। तो यहाँ पर धातु की तहसील में सबसे पहले है आमिल धातु की तहसील। तो
तो यहाँ पर आमिल धातु की तहसील के तरीके में हम देखेंगे कि जो तामिलाती सिलसिले की ऊपरी धाते हैं, जो आमिल धाते कहलाती है, यानी कि उसमें इनकी तामुली सलाहियत फहरिस्त में नीचे की जानिब जो है वो कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि पोटाशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम, ये क्या है, ये तेज आमिल धात है। इसके बाद में ये तेज आमिल धात होने की वजह से इनके आखिरी मदार से जो इलेक्ट्रॉन खोकर, यानी जो इनका आखिरी मदार है इसमें से इलेक्ट्रॉन खोकर ये क्या करते हैं, मस्बत बारदार आयन बनाते हैं। अभी मिसाल के तौर पर मैं सोडियम यहाँ पर ले लेती हूँ, तो यहाँ पर हम मिसाल लेते हैं सोडियम की। सोडियम का जोहरी अदद कितना है, 11 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्किल कितनी है, 2, 8 और 1, 10 और 1, 11। अब इस चूंकि इसके आखिरी खोल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन खो देगा, ठीक है, यानी दूसरे को ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो चूंकि इनके अंदर जो है वो आखिरी मदार से इलेक्ट्रॉन खोकर, जब ये इलेक्ट्रॉन खोएगा तो ये मनफी होगा, तो इलेक्ट्रॉन जब खो दिया तो ये यहाँ पर मस्बत आयन बन गए। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, जो तेज आमिल धाते हैं वो अपने आखिरी मदार से क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन खोकर जो है वो मस्बत बारदार आयन बन जाती है, मस्बत बारदार आयन बनाती है। तो ये एक खसूसियात इनके अंदर है, इनके अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है। इसके बाद ये क्या करते हैं, तेज आमिल धाते जो है वो हल्के तरशे यानी के एसिड, हल्काए हुए एसिड के साथ में जो है वो तेजी से अमल करती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो ये भी इसकी एक खसूसियात है तेज आमिल धातु की। फिर तेज आमिल जो धाते हैं वो कमरे के दर्जे हरारत पर हवा के साथ में भी, हवा यानी ऑक्सीजन के साथ में भी अमल करती है। तो इस तरह से सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो इसकी तहसील इनके पिघले हुए क्लोराइड की बर्क पाशीदगी से की जाती है। इस अमल में क्या किया जाता है, धात मनफी बरकीरा पर जमा हो जाता है, यानी जो भी धात होती है वो मनफी, हम यहाँ पर नाइन्थ में जो है वो हमने तजुर्बा किया होगा, मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड का महलूल ले लो, तो यहाँ पर जो है वो मस्बत बरकीरा और मनफी बरकीरा दो रॉड होते हैं यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो धात है वो क्या करेगी, इस अमल में धात जो है वो मनफी बरकीरे पर जमा हो जाती है, और जबकि क्लोरीन यानी कि ये क्या हो जाती है, मस्बत बरकीरे पर आजाद होती है। तो इस तरह से पिघले हुए सोडियम क्लोराइड की बर्क पाशीदगी का अमल करके हम आसानी से जो है वो सोडियम धात के हुसूल का अमल कर सकते हैं। तो इसकी देखो मिसाल दी गई है अम्ल तहवील, सोडियम इसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, एक इलेक्ट्रॉन खोकर क्या करा, मनफी बरकीरे पर अमल हुआ, यानी इसने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया, दूसरे को दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये अमल किस पर हुआ, अमल जो है वो मनफी बरकीरे पे हुआ, क्योंकि ये मनफी है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें मनफी में ये तहवील हो गया है ना। इसके बाद में क्लोरीन जो है वो अम्ल तकसीद किया, चूंकि क्लोरीन जो है वो मनफी था, इसने जो है वो इलेक्ट्रॉन इससे हासिल किया, तो इलेक्ट्रॉन हासिल करके ये क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हासिल हो रहा है, यानी कि मस्बत बरकीरे पर अमल हो रहा है। तो इस तरह से जो है ये आमिल धातु की तहसील की जाती है। इसके बाद है एल्यूमिनियम की तहसील। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम की तहसील में, तो यहाँ पर हम एल्यूमिनियम की तहसील में देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। इसकी अलामत क्या है एल्यूमिनियम की, Al है, रंग चांदी की तरह सफेद होता है, इसका जौहरी अदद है 13, इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्किल क्या बनेगी, 2, 8, 10 और 3, 13, है ना, और इसकी गिरफ्त 3 होगी, क्योंकि इसके आखिरी खोल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर जो है वो एल्यूमिनियम आमिल धात होने की वजह से ये आजाद हालत में नहीं पाया जाता, ऊपर हमने देख लिए कि जो धाते आमिल होती है वो आजाद हालत में नहीं पाई जाती, क्योंकि वो हवा के साथ आसानी से अमल कर सकती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद, यानी ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम जो है वो ऐसा तीसरा आंसर है जो जमीन पर बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो एल्यूमिनियम की तहसील, यानी जब एल्यूमिनियम हासिल किया जाता है इसको, तो एल्यूमिनियम की जो तहसील है वो इसके कच धात,
बॉक्साइट। तो इसका कच धातु क्या है, इसका नाम है बॉक्साइट। इसका फॉर्मूला है Al2O3NH2O। तो यहाँ पर ये एल्यूमिनियम की कच धातु बॉक्साइट जो है वो Al2O3.NH2O इसका फॉर्मूला है। इसमें बॉक्साइट में 30-70% तक के जो है वो Al2O3 होती है और बाकी का जो हिस्सा है इसमें बच गया वो क्या होता है, गोंग होता है, जिसमें रेत। अब इस गोंग में क्या है, इसके अंदर रेत है, सिलिका है, आयरन ऑक्साइड जैसी कसाफतें मौजूद है। यानी इस गोंग के अंदर जो है वो रेत मिली हुई है, सिलिका मिला हुआ है, आयरन मिला हुआ है और जो है वो ऑक्साइड जैसी बहुत सी कसाफतें इसमें मिली हुई है। तो हम यहाँ पर एल्यूमिनियम की जो तहसील है उसको दो मरहले में करेंगे। नंबर एक जो दिया हुआ है बॉक्साइट का इर्तिकाज, तो इस बॉक्साइट के इर्तिकाज में हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम की कच धातु को यहाँ पर भी क्या किया जाता है, बारीक पीसा जाता है। ठीक है, तो ये इस एल्यूमिनियम के बॉक्साइट में जो कच धातु में जो गोंग मिला है उसमें सिलिका यानी कि SiO2 है, इसका फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 है और टीएनियम ऑक्साइड और टी और एटीनियम ऑक्साइड TiO2 है, ये कसाफतें जो है वो इसके बॉक्साइड में मिली हुई है, इनको हमको अलग करना है ना। तो इन कसाफतों को तकतीर के बेयर्स तरीके या हॉल्स तरीके से अलहदा किया जाता है। ये दो तरीके यहाँ पर दिए गए हैं और इन दोनों ही तरीकों में आखिर में जो है वो हमको मर्तकज एलुमिना मिलता है, इससे हमको हासिल होता है। तो बेयर्स का जो तरीका है उसके अंदर इस तरीके में जो कच धातु को जो है गोल चक्की में बारीक पीसा जाता है, फिर इसे मर्तकज कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, इसके महलूल में कम से कम 140 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको ऊंचे दबाव के तहत 2 से 8 घंटे तक टंकी में गर्म किया जाता है। अब गर्म करने के बाद जो है वो चूंकि एल्यूमिनियम दो रूखा ऑक्साइड है, देखो यहाँ पे ये साइंसी वजह पूछती है कि एल्यूमिनियम को दो रूखा ऑक्साइड क्यों कहा जाता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड दो रूखा होने की वजह से इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड में हल होकर पानी में भी हल पजीर सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। तो यहाँ बॉक्साइड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के महलूल से तकतीर के जरिए यानी कि छान कर इसको जो है वो अलहदा किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके में देखो ये बॉक्साइड है, इसको मर्तकज कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जो है वो 140 से 150 डिग्री हरारत पर दबाव एक ऊंचे दबाव के तहत 2 से 8 घंटे तक पकाया जाता है। उसके बाद में जो है यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बन गया और यहाँ पर जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के महलूल से इसको तकतीर किया जाता है और यहाँ पर जो है वो पानी में हल पजीर होता है ये सोडियम एल्यूमिनेट, तो इसलिए यहाँ पर ये पानी भी हमको साथ में मिल गया। इसके बाद में जो सोडियम एल्यूमिनेट हमको यहाँ पर मिलता है तो इस सोडियम एल्यूमिनेट में क्या किया जाता है, इसमें मुनासिब मिकदार में पानी मिलाते हैं। तो इस सोडियम एल्यूमिनेट में मुनासिब मिकदार में यहाँ पर पानी मिलाया गया, H2O मिलाया गया और फिर इस अमेजे को कम से कम 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं और इस तपिश पर आमेजे का जो है वो आबी तजिया हो जाता है। और यहाँ पर आबी तजिया होने के बाद हमको क्या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रसूब हासिल होता है और फिर इस रसूब को हम क्या करते हैं, तकतीर के जरिए हम इसको आसानी से अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला और यहाँ पर तकतीर के जरिए जो हम इसको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को आसानी से अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो था सोडियम एल्यूमिनेट को पानी में हल करने के बाद उसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्द किया जाता है, उससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का हमको रसूब हासिल होता है जिसको हम इसको आसानी से जो है वो तकतीर करके छान कर इसको अलग कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो है वो इसके बाद का जो अमल है, तो यहाँ पर इसके पहले हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमने देखा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमको मिला, तो वो जो तरीका था वो बेयर्स का तरीका था। अब दूसरा जो है वो एक हॉल्स का तरीका है
इस तरीके में क्या किया जाता है, कस धात को पीसा जाता है, फिर इसको इसकी तकतीर करने के लिए टंकी में, इसको छान के अलग करना है तो टंकी में सोडियम कार्बोनेट का महलूल के साथ इसको गर्म किया जाता है। अब जिससे सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, और जब गैर हल पजीर कसाफतों को तकतीर के जरिए, यानी गैर हल पजीर कसाफत यानी गोंग हो गया, ये क्या होता है, उसमें हल नहीं हो पाता सोडियम कार्बोनेट में, इसको तकतीर के जरिए अलग कर दिया जाता है। इसके बाद में इनको क्या किया जाता है, जो तकतीर के जरिए अलग करने के बाद जो सोडियम एल्यूमिनेट भी है, इनको हल्का गर्म किया जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गुजार कर मोतदिल बनाया जाता है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाती है और फिर इसको मोतदिल किया जाता है, इससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रसूख तैयार होता है। तो ये जो है वो हॉल्स का तरीका है जिसमें सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया गया था और यहाँ पर जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो बेयर्स का तरीका जो था उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया गया था। दोनों से ही हमको लास्ट में क्या मिला, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलने के बाद क्या किया जाता है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जब मिल जाता है तो इसको क्या करते हैं, पिघले हुए एल्यूमिना में जो है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जब मिल जाता है तो इसको धोकर, इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को धोकर खुश कर लिया जाता है, और खुश करने के बाद कम से कम इसको जो है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। और जब इसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो इससे जो है वो हमको खालिस एल्यूमिना हासिल होता है, यानी कि एल्यूमिनियम हासिल होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये एल्यूमिना हासिल करने का हमारा ये मेथड कंप्लीट होता है। तो इस तरह से बॉक्साइट के कस धात से एल्यूमिनिया हासिल किया जाता है। इसमें दो तरीका है, बेयर्स का तरीका है और हॉल्स का तरीका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एल्यूमिना की बरकी तहवील। तो हमने जो ऊपर एल्यूमिना हासिल किया है उसको किस तरह से हम यहाँ पर एल्यूमिनियम में तब्दील करेंगे, कैसे हासिल करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं फौलादी टंकी दी गई है जो ग्रे कलर की नजर आ रही है। इसके बाद में यहाँ पर ये जो पीले पीले रॉड दिखाई दे रहे हैं वो मस्बत बरकीरा है, यानी ग्रेफाइट के रॉड है। इसके बाद यहाँ पर मस्बत और मनफी, यानी ये बैटरी है, बरकी खाना है, ये इसमें से बर्क गुजारी जाएगी। और इस फौलादी टंकी के अंदर जो ये ब्लैक कलर की पट्टी नजर आ रही है आपको, ये क्या है, ये पूरा जो है वो मनफी बरकीरा है। इसके बाद इसके अंदर जो महलूल है वो एल्यूमिना क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार का आमेजा है। और यहाँ पे एक नली दी गई है जिसकी वजह से, जिसकी मदद से पिघले हुए एल्यूमिनियम को जो है वो बाहर निकाला जा सके। तो ये अमल किस तरह से होता है हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हुए, पिघले हुए एल्यूमिना में क्रायोलाइट है जो है वो Na3AlF6, इसको जो है वो फ्लोर स्पार यानी CaF2, इन दोनों को जो है वो मिलाते हैं, जिसकी वजह से इस आमेजे का जो नुक्ते पिघलाव है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। असल में अगर देखा जाए तो एल्यूमिना का जो नुक्ते पिघलाव है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है, एल्यूमिना का नुक्ते पिघलाव 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है, चूंकि इनके एल्यूमिना को जो है वो इन दोनों के महलूल में मिलाया जाता है, इसके अंदर पिघले हुए एल्यूमिना को, तो इसकी वजह से इसका जो दबाव है या सॉरी निकते पिघलाव है वो कितना हो जाता है, 1000 डिग्री कम हो जाता है, यानी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। अब इस पिघले हुए आमेजे को जो है वो बरकी तजिए के जरिए बर्तन में लिया जाता है, और बर्तन की जो अंदरूनी सलाखें है वो मनफी हो जाती है, और ये मस्बत बरकीरा, ये हमने देखा कि इसको इसको आमेजे में डूबी हुई ग्राफाइट की सलाखें जो है वो मस्बत का खुतुब का काम करती है। अब जब आमेजे में से बरकी रो गुजारी जाती है, यानी यहाँ पर जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है बरकी खाने की मदद से बरकी रो गुजारी जाती है, तो बरकी रो गुजारने पर क्या होता है, एल्यूमिनियम जो है वो इस मनफी बरकीरे पर जमा हो जाते हैं, यानी जो अंदर यहाँ पे हमको ये ब्लैक दिख रहा है ये, यहाँ पर ये एल्यूमिनियम जो है वो जमा हो जाता है इस मनफी बरकीरे पर, ठीक है। और पिघला हुआ एल्यूमिनियम जो है वो बर्क गुजार के मुकाबले में वजनी होता है, इसलिए ये कैसा टंकी की तह में जाके जमा हो जाता है, और फिर वहां से इसको वक्फे से बाहर निकाल लिया जाता है।
इसके बाद जो मस्बत बरकीरा है वहां पर जो ऑक्सीजन है वो आजाद हो जाती है ना। तो इस तरह से बरकीरों पर होने वाला जो अमल है वो कैसा होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कैसी हो जाती है, मस्बत बरकीरों पर आजाद हो जाती है। और इसी तरह से एल्यूमिनियम जो है वो क्या करती है, ये मनफी बरकीरों पर जो है वो हमको मनफी बरकीरों पर जमा हुआ नजर आती है। तो इस तरह से ये यहाँ पर हमको एल्यूमिनियम जो है वो हासिल होता है। तो इस तरह से इन दो तरीकों से जो है वो एल्यूमिनियम की कज धात से एल्यूमिनियम को अलग किया जाता है। नंबर एक पहला क्या था हमारा, पहला था जो बॉक्साइट का इर्तिकाज और दूसरा था जो एल्यूमिना की बरकी तहवील। अब इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, औसत आमिल धातु की तहसील। तो यहाँ पर सवाल दिया हुआ है औसत आमिल धातु की तहसील में कि औसत आमिल धातु कौन सी है। तो यहाँ पर जो है वो औसत आमिल धातु जो है वो लोहा है, जस्त है, सीसा है और तांबा, ठीक है, ये औसत आमिल धातु हैं। कुदरत में औसत आमिल धातु किस हालत में पाई जाती है, तो कुदरत में जो है ये औसत आमिल धातु सल्फाइड कार्बोनेट की शक्ल में पाई जाती है। इसके पहले हमने पढ़े कि ये सल्फाइड और कार्बोनेट की हालत में पाए जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है तरीका किस तरह से जो है वो हम सल्फाइड की शक्ल में पाई जाती है या कार्बोनेट की शक्ल में हमको मिलती है, ये हमने देख लिए। इसके बाद में इन सल्फाइड और कार्बोनेट की बजाय इनके ऑक्साइड नमक से हासिल करना ज़्यादा आसान होता है, यानी इनको जो है वो सल्फाइड या कार्बोनेट की बजाय अगर ऑक्साइड नमक से हासिल किया जाए तो हमारे लिए ज़्यादा आसान तरीका होगा। तो इसलिए सल्फाइड का धातु को हवा में हम खूब गर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से हमको इनकी कर्ज धातु से जो है वो धात हासिल की जाती है। तो पहला जो है वो तपाना है। तपाने के तरीके में क्या किया जाता है, सल्फाइड की जो कर्ज धात है इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में हरारत दी जाती है, और जब हरारत दी जाती है तो इस धात का इससे जो है वो धात के ऑक्साइड हमको हासिल होते हैं। तो इस अमल को और इस अमल में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड खारिज होती है यानी SO2 खारिज होता है। तो इस अमल को जो है वो तपाना कहते हैं। तो इस तरह से तपाने के तरीके से सल्फाइड कज धात से जो है वो हम धात हासिल करते हैं। तो सल्फाइड कज धात से तपाने में इसके अंदर क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसको खूब गर्म किया जाता है और इससे जो है वो खूब हरारत दी जाती है, इससे धातों का ऑक्साइड बनता है और इससे जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी खारिज होती है। इसके बाद कलसाओ में इस मेथड में क्या किया जाता है, इसके अंदर जो है वो कार्बोनेट की कर्ज धात है। तो यहाँ पर जो है वो कलसाओ के मेथड में क्या किया जाता है, जो कार्बोनेट की कर्ज धात है इसको जो है वो हवा की कम मौजूदगी में गर्म किया जाता है, यानी ऑक्सीजन की कम मौजूदगी में जो है वो इसको भी गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद जो है वो ऑक्साइड इसकी तहलील होती है और ऑक्साइड कर्ज धात जो है वो हासिल होती है। तो इस तरह से कार्बोनेट के जो कर्ज धात है पहले उसको ऑक्साइड के कर्ज धात में तब्दील किया जाता है और फिर इसके अंदर से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जो है वो खारिज होती है। तो इस अमल को जो है कलसाओ का अमल कहते हैं। तीसरा जो अमल है इसके अंदर धाती ऑक्साइड की तहवील है। तो धाती ऑक्साइड की तहवील में इसमें जिंक के ऑक्साइड होते हैं। तो जो जिंक के ऑक्साइड होते हैं इसके अंदर तो ये जिंक के ऑक्साइड इनको कोक के साथ गर्म किया जाता है, और जो कब कोक के साथ गर्म करने के बाद इससे जो है वो जिंक हासिल होती है, और जिंक के साथ में जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी खारिज होती है। तो इस तरह से ये तीसरा मेथड जो था धाती ऑक्साइड की तहवील का। इसके बाद अगला जो है वो एहतराकी तामुल। तो एहतराकी तामुल में क्या होता है,
एतराक की तामूल में जब धातु के ऑक्साइड को तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा अगला एतराकी तामूल, यहाँ पर चौथा तरीका एतराकी तामूल। तो इस एतराकी तामूल में धातु की ऑक्साइड की तहवील जो है वो तेज आमिल धातु से की जाती है, तो वो धात हासिल होती है और तेज आमिल धात का ऑक्साइड हासिल होता है और बहुत ज्यादा हरारत पैदा होती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो तो इसमें हम देखेंगे कि जब आयरन ऑक्साइड की तहवील एल्यूमिनियम के साथ की जाती है, चूंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है वो तेज आमिल धात है, तो इस तेज आमिल धात के साथ की जाती है तो लोहा हासिल होता है और हमको यहाँ पर साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हासिल होता है और बहुत ज्यादा हरारत खारिज होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ जो है वो इसका अमल किया जाता है तेज आमिल धात के साथ में, तो हमको यहाँ पर आयरन हासिल होता है और बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पर आयरन हासिल होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हासिल होता है और बहुत ज्यादा हरारत खारिज होती है। तो इस तरह से ये एतराकी तामूल में हमने देखे। तो एतराकी तामूल में क्या किया जाता है, एतराकी तामूल में जो है वो धातु के ऑक्साइड की तहवील जो है वो तेज आमिल धातु के साथ की जाती है और इस तरह से यहाँ पर जो है वो ऑक्साइड तैयार होता है और आयरन हमको मिलता है। तो यहाँ पर हमने देखा औसत आमिल धातु की तहसील। अब हम देखेंगे सुस्त आमिल धातु की तहसील। सुस्त आमिल धातु की तहसील, सुस्त आमिल धाते यानी के कम आमिल धाते, तो सुस्त आमिल धातु में हो गया सोना, चांदी, पारा और तांबा हो गया। सुस्त आमिल धाते आजाद हालत में पाई जाती है और ये तांबा, पारा और सल्फाइड की शक्ल में जो है वो पाई जाने वाली धातें हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब क्यूप्रस ऑक्साइड, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है ना, तांबा इसके सल्फाइड, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्यूप्रस सल्फाइड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब हरारत दी जाती है तो क्यूप्रस ऑक्साइड तैयार होता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। इसके बाद में जब क्यूप्रस ऑक्साइड को, यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड को क्यूप्रस सल्फाइड के साथ में हरारत दी जाती है तो यहाँ पर हमको तांबा मिलता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। तो इस तरह से ये सुस्त आमिल धातु की तहसील है। यहाँ पर तीसरा हम देखते हैं धातु की तकलीस। धातु की तकलीस में क्या किया जाता है, अम्ले तहवील के जरिए जो धातु हासिल की जाती है यानी मुख्तलिफ मरहलों से गुजारने के बाद जो धातु हासिल की जाती है वो खालिस नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ है वो कसाफतें मौजूद होती है यानी कुछ ना कुछ मिकदार में जो है वो गोंग मौजूद होता है, तो जिन्हें अलग करके खालिस धात तैयार की हासिल की जाती है, तो बर्फ पाशीदगी का तरीका इस्तेमाल करके क्या करते हैं, गैर खालिस धात से खालिस धात हासिल की जाती है। तो इस तरह से बर्फ गुजार करके, बर्फ पाशीदगी का तरीका इस्तेमाल करके जो गैर खालिस धातु है उसको खालिस और बनाया जाता है। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक जो है वो धातु का ताकुल। तो धातु का ताकुल जो है वो क्या है, ताकुल के क्या मानी है, तो ताकुल के मानी ये होते हैं कि हम देखते हैं कि बहुत सारी जो स्टैच्यू होते हैं बाहर, या हमारा जो कॉपर का बर्तन होता है काला हो जाता है, चांदी के बर्तन होते हैं काले हो जाते हैं, तो ये काले क्यों हो जाते हैं, तो यहाँ पर धातु का ताकुल का क्या मतलब होता है कि धातु पर हवा का, नमी का और हल्काए हुए तेजाब का असर होता है। धातु पर जो भी धातु है उसके ऊपर हवा की, नमी का, और हल्काए हुए तेजाब का असर होता है, जिसकी वजह से धातें क्या होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता खराब हो जाती हैं और ये खराब होने का जो अमल है धीरे धीरे इसको क्या कहते हैं, ताकुल कहते हैं। तो आपने ज़ेल की चीजों का मुशाहिदा किया, इमारत की पुरानी सलाखें यानी इमारत के अंदर जो सलाखें लगाई जाती है, हम ग्रिल ले लो, हमारी खिड़की ले लो, बहुत पुरानी हो गई तो हम देखते हैं उस पर जंग लग जाता है, कोई भी लोहे की चीज जो बहुत पुरानी हो गई तो उस पर देखते हैं हम कि जंग लग जाता है, एक ऊपरी एक परत इस पर चढ़ जाती है चीजों पर, धातु पर।
तो इमारत की पुरानी सलाखें आप देख लीजिए, तांबे के बर्तन देख लीजिए जो बहुत अरसे से साफ नहीं हुए, चांदी के और जेवरात के मूर्तियां या बर्तन देख लीजिए। तो ये सब क्या है, खुली रखी हुई हो या पुराना कोई भंगार हो वो भी आप देख लीजिए। तो उस पर क्या हो जाती है, देखो ये जंग आलू जंजीर जंग लग गया इसके ऊपर। फिर ये काली जो है वो बर्तन, ये कॉपर का बर्तन है लेकिन कैसा काला सयाही माइल बर्तन हो गया। इसके बाद में स्टैचू है, मुजस्समा है जो आजादी को मुजस्समे आजादी को तांबा मिलाकर बनवाया गया था, जो 300 साल का अरसा गुजरते ही सब्जी माइल हो गया। 300 अरसा गुजर गया इसको तो इसके रंग अपना तब्दील कर लिया। तो इस तरह से यहाँ पर इसके ऊपर हवा का असर होता है, हवा के अंदर जो नमी उसका और तेजाब जो पोल्यूशन होता है उसका असर होता है, जिसकी वजह से ये चीजें जो है वो खराब हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कुछ ऐसे खुली हवा में रखने पर चांदी की अशिया काली। तो ये हमने देखे कि ये हवा की नमी तेजाब जो हवा में पोल्यूशन है उस पर अमल करती है और वो चीजें जो है वो काली या सब्जी माइल हो जाती है। सोना और प्लैटिनम हमेशा क्यों चमकते हैं, सोना और प्लैटिनम कैसे है, ये नोबल मेटल है यानी नोबल धाते रईस धाते हैं, रईस धाते हैं। ये धाते जो है वो हवा की नमी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और कोई भी तेजाब के साथ कीमियाई अमल नहीं करती, इसलिए ये हमेशा जो है वो चमकती रहती है। यहाँ हम आगे देखते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि हर साल दुनिया में लोहे से तैयार होने वाली नई अशिया तकरीबन 25% जो है वो लोहा जंग आलूद हो जाता है और बड़े पैमाने पर माली नुकसान हो जाता है। इसलिए लोहे का ताकुल यानी जंग खोरगी का एक बड़ा मसला है, यानी जंग लगने का जो है एक बड़ा मसला है। इसमें क्या है, नंबर एक, लोहा नम हवा से अमल करता है, हमने देखे के हवा में मौजूद जो नमी है, हवा के अंदर जो पोल्यूशन है, तेजाबियत है, उसकी वजह से वो चीजें खराब हो जाती है। तो उसके ऊपर एक सुर्खी माइल तय जमा हो जाती है, यानी कि यहाँ पर इसका फॉर्मूला दिया हुआ है और ये शय जो है वो रंग यानी जंग यानी के रस्ट जिसको कहते हैं। इसके बाद मरतूब हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तांबे के बर्तन की सतह के साथ अमल करती है और तांबे की चमक को जो है वो खत्म कर देती है। और इस तरह से सब्जी माइल जो है वो कार्बोनेट कॉपर कार्बोनेट की तह जम जाती है, जिसको फिर ताकुल जिसको तांबे का ताकुल कहते हैं, यानी तांबे के ऊपर उसकी तह जमा हो जाती है और इसको जो है वो कलई करके फिर दुरुस्त करते हैं, लेकिन फिर दोबारा वो थोड़े दिनों के बाद वैसे ही हो जाती है। फिर हवा में खुली रहने वाली जो चांदी की अशिया है कुछ अरसे के बाद देखो काली पड़ जाती है, क्योंकि इस पर जो है वो सिल्वर सल्फाइड की तह जमा हो जाती है और जो सिल्वर यानी चांदी को हवा की हाइड्रोजन सल्फाइड के अमल से बनता है। इसके बाद जो एल्यूमिनियम की तकसीद से इसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो है वो पतली तह जम जाती है। तो इस तरह से चीजें जो है वो हवा के अंदर मौजूद अशिया यानी के जो कीमियाई अशिया है उसकी वजह से कीमियाई अमल करके खराब हो जाती है। अब इसको रोकने का क्या तरीका है, नंबर एक जो है आप धातु के ताकुल यानी जंग खोदगी को रोकने के लिए इसकी इब्तिदा ही में ना हो कौन सा तरीका तजवीज करेंगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे कुछ तरीके दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे एक पहला तरीका जो है वो कि धात की सतह पर किसी दूसरी शय की पर चढ़ा दी जाए, यानी जो धात की सतह है उसके ऊपर हम कोई दूसरी पर चढ़ा दे, कलर कर दे, जिसकी वजह से धात का जो है वो ऑक्सीजन के साथ और उसमें नमी जो मौजूद है उसके साथ में ताल्लुक कीमियाई अमल नहीं होगा। इसके बाद ताकुल से बचाने के लिए धात की सतह पर रंग लगा दीजिए, तेल लगा दीजिए, ग्रीस, रोगन, ये सब तय चढ़ा देंगे तो लोहे का ताकुल इस तरीके से जो है हम आसानी से रोक सकते हैं। इसके बाद में क्या हम लोहे की सतह पर रंग लगाकर इसे मुस्तकिल तौर पर जंग आलूदगी से महफूज रख सकते हैं, मुस्तकिल तरीके पे तो हम नहीं कह सकते लेकिन कुछ वक्त तक जो है वो कुछ अरसे तक ये चीजों को महफूज रख सकते हैं और खराब होने से पहले अगर उस पर दोबारा रंग चढ़ा दिया जाए तो ये चीजें जो है वो हमेशा महफूज रह सकती है। इसके बाद ताकुली धात की सतह पर गैर ताकुली धात की पर चढ़ा दी जाए, यानी ऐसी धात की तह चढ़ा दी जाए जिस पर इसका कोई असर नहीं होगा, तो इस तरह से इसे ताकुल से बचाया जा सकता है। अब इसके बाद में है जस्तकारी, जस्तकारी तरीका है एक किस तरह से हम हमारी चीजों को जो है वो
जंग लगने से या खराब होने से बचा सकते हैं। नंबर एक जो है वो जस्तकारी है, इसमें लोहे या स्टील को ताकुल से बचाने के लिए इस पर जंग यानी जस्त की पतली तह चढ़ाई जाती है, मतलब मसलन लोहे की कील, पिन वगैरह। ये कैसे होते हैं हम देखते, लोहे की कील और पिन ये खराब नहीं होते, इसमें जस्त लोहे के मुकाबले में ज्यादा बरकीबार वाला होने की वजह से पहले जस्त का ताकुल होता है, फिर कुछ बारिशों के बाद जस्त की तह निकल जाती है और अंदरूनी लोहा ऊपर आ जाता है, तब इसका ताकुल शुरू होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम जस्तकारी में देखेंगे कि तो इस तरह से जस्तकारी के तरीके में ये तरीका दिया हुआ है, इसकी जांच की जाती है, इसके बाद में इसको ठंडा किया जाता है, फिर इसके ऊपर पिघले हुए जस्त की परत चढ़ाई जाती है। हम देखते हैं ना इस तरह की रॉड हमने देखी है बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल की जाती है, तो इस पर क्या किया जाता है, लोहे की अशिया को जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर जस्त की परत लगाई जाती है। तो ये लोहे की अशिया पर जस्त की जो परत है उसको लगाने का ये तरीका है कि किस तरह से इसको पिघला हुआ जस्त डालते हैं, फिर इसको खुश करते यानी सुखाते हैं, फिर इसका महलूल इसके ऊपर महलूल बहाया जाता है, फिर इसको तेज उससे धोया जाता है, फिर डुबो कर रखा जाता है, फिर तेज धुलाई की जाती है, फिर कास्टिक पाउडर से इसको साफ किया जाता है और इस तरह से ये जो है वो ताकुल फ्री हो जाता है यानी इस पर फिर जंग नहीं लगेगा। दूसरा जो हमारा तरीका है वो है कलई करना। कलई करने में हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इस तरीके में धात पर जो है वो एक धात पर टिन की तह चढ़ाई जाती है, हम इसे कलई कहते हैं। तो ये कलई किस में की जाती है, पीतल या तांबे के बर्तन में की जाती है। पीतल और तांबे के बर्तन पर जो है वो सब्जी माइल तह जम जाती है जो जहरीली होती है, जिसकी वजह से बर्तन में दूध या दही की कढ़ी या खट्टी गिजाइशा रेखी जाए तो वो खराब हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हम कलई करते हैं, यानी घर में भी जो हमारे पीतल और तांबे के बर्तन है उसको हम आसानी से एक कलई कर सकते हैं, एक उस पर धात पर उसकी पीतल और तांबे की धात पर जो है वो टिन की तह चढ़ाकर। इसके बाद अगला तरीका जो है वो मलमाकारी। अब मलमाकारी में इसके बाद बरकी मलमाकारी में हम देखेंगे यहाँ मलमाकारी में हम देखेंगे इस तरीके में धातें जो है वो मसलन तांबा और एल्यूमिनियम, इनके ऊपर ऑक्साइड की पतली और मजबूत तह चढ़ाई जाती है। इसमें तांबा यानी के कॉपर या एल्यूमिनियम की शय को मजबूत बरकीरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी क्या है ये मजबूत आयन है, और ऑक्साइड की जो परत है पूरी सतह पर यकसा जमने की वजह से धातों को ताकुल रोकने में मददगार होती है, यानी कि इसकी पूरी सतह पर ऑक्साइड की परत लगाई जाती है जिसकी वजह से ये खराब नहीं होती है। तो यहाँ पर जब एल्यूमिनियम की मलमाकारी की जाती है तो इस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तह चढ़ाई जाती है, जो अपने नीचे मौजूद एल्यूमिनियम को जो है वो ऑक्सीजन और पानी के साथ अमल करने से रोकती है, जिसकी वजह से मजीद तकसीद रुक जाती है और इसे ज्यादा महफूज बनाने के लिए ऑक्साइड की तह को ज्यादा दबेस कर दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑक्साइड की तह चढ़ाई जाती है जिसकी वजह से ये खराब ना हो। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मलमाकारी का जो तरीका है करके क्या करती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड तैयार करती है जिसकी एक मोटी तह शय पर चढ़ जाती है, और जिसकी वजह से ये जो भी शय हमको एनोडाइज करना है उसके ऊपर ये तह जो है वो आसानी से चढ़ जाती है। तो जो शय पे हमको जिस शय को एनोडाइज करना होता है वो मजबूत हो जाती है, और बाकी जो सल्फ्यूरिक एसिड के महलूल में इसको डुबाया जाता है तो ये जो मनफीरा दूसरा जो है वो तो इस तरह से बरकी तजिए के दौरान क्या होते हैं, मजबीरा जो है यानी यहाँ पर वो ऑक्सीजन खारिज होती है यहाँ पर, और ये खारिज होने वाली जो ऑक्सीजन है वो मजबीरे पर मौजूद होने की वजह से अमल करती है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो है वो ऑक्साइड तैयार करती है जिस जो एक मोटी तह इसके ऊपर चढ़ जाती है, तो इस वजह से इस पर जंग नहीं लगता है। इसके बाद में हम देखेंगे बरकी मलमाकारी। तो बरकी मलमाकारी में तेज आमिल धात पर बर्क पाशीदगी, तो यहाँ पर ये बर्क पाशीदगी यानी बर्क गुजारा जाता है
और इस तरह से ये मनफीरा जो है वो एल्यूमिनियम का चमचा और मजबीरा यानी चांदी की तख्ती है। तो इस तरह से बर्फ पाशीदगी के जरिए जो है वो सुस्त आमिल धात की तह चढ़ाई जाती है, चमचों पर चांदी की मलमाकारी, जेवरात पर सोने की मलमाकारी की जाती है। इसके बाद में है मखलूककारी यानी के भरतकारी। भरतकारी ये इस तरह से मुख्तलिफ सिक्के दिए गए हैं। तो आजकल इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर अशिया जो है वो मखलूत धात की होती है यानी मिक्स होता है, उसके अंदर एक धात नहीं होती है, इसका कई धातें होती है। तो इसका खास मकसद धातों को ताकुल की शिद्दत से तहफुज रखना, यानी अगर प्योर कोई चीज होगी तो वहां पर कीमियाई अमल होना तय है। तो इसलिए क्या करते हैं, मखलूत धात यानी कई धातों को मिलाया जाता है ताकि जो है वो ताकुल की शिद्दत कम हो जाए। तो एक धात को दूसरी धात या धात के साथ मिलाकर हम जिन सामेजा तैयार किया जाता है और इसे मखलूत या भरत, और इसे क्या कहते हैं, मखलूत कहते हैं या भरत या एलॉय कहते हैं। मसलन के कांसा यानी ब्रोज 90% है तो उसमें तांबा 10% मिला दिया जाता है। तो इस तरह से 90% तांबा और 10% टिन की मखलूत धात है, यानी जो कांसा है ब्रॉन्ज है उसके अंदर 90% तांबा है और 10% टिन है। तो ब्रॉन्ज से बना हुआ जो मुजस्सिमा धूप और बारिश में ज्यादा अरसे तक महफूज रह सकता है। इसी तरह से स्टेनलेस स्टील जो पानी और हवा में जंग आलूद नहीं होता, इसके अंदर 74% जो है वो क्रोमियम है और 18% और सॉरी लोहा जो है वो 74% है, क्रोमियम 18% है और कार्बन 8%, ये इसकी मखलूत धात है। तो जिसकी वजह से ये काफी टाइम तक जो है वो महफूज रहती है। तो हमारे इस जमाने में एक मखलूत धात जो है वो सिक्का ढालने में इस्तेमाल होती है, यानी सिक्का बनाने में भी इस धात का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारा सिक्का जो है वो कभी जंग आलूद नहीं होता जल्दी, अगर बहुत अरसे तक पड़ा रहे तो हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है वो हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उस पर जो है वो किसी भी शय का अमल नहीं होता। तो इस तरह से यहाँ पर ताकुल का जो है वो अलग अलग तरीका दिया था कि अलग किस तरह से अलग तरीके से जो है वो इसको हम ताकुल से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।